أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم دوستو मैं हूँ मोहसिन रज़ा और आप लोग देख रहे हैं वर्चुअल स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैंने दो और नए चैनल शुरू किए हैं जिसमें एक 24/7 टीचर्स ऑनलाइन है, जिसका बनाने का मकसद ये है कि आपके जो मुश्किल सब्जेक्ट हैं उनके लेक्चर्स आपको फराहम किए जाएँ। वहाँ पर मैंने अपने कोई 15 सब्जेक्ट के लेक्चर रिकॉर्ड करके रखे हैं, तो आप 24/7 टीचर्स ऑनलाइन पे जाइए, उसको सब्सक्राइब भी करें और वहाँ पे जो लेक्चर्स अवेलेबल हैं उनसे भी फ़ायदा उठाएं। दोस्तों तीसरा जो मेरा चैनल है वो की टू सक्सेस है। इसका बनाने का जो मकसद है वो ये है कि आप लोगों को एग्ज़ाम की तैयारी भी करवाई जाए बहुत कम वक्त के अंदर। उसके लिए मैंने की टू सक्सेस के ऊपर एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बहुत अच्छा मटेरियल तैयार करके रख रहा हूँ। इंशाल्लाह आपके फाइनल टर्म से पहले और मिड टर्म के से पहले ही अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप की टू सक्सेस के ऊपर जाइए और उसको सब्सक्राइब करें और वहाँ पे जो मटेरियल अवेलेबल है उससे भी फ़ायदा उठाएं। दोस्तों मेरे तीनों चैनल्स का जो URL है वो आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने ऐड कर दिया है। दोस्तों बात कर लेते हैं आज की इस वीडियो की। दोस्तों आज की जो मेरी वीडियो है वो CA408 ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन की हमारी जो असाइनमेंट आई हुई है स्प्रिंग 2020 की, उस हवाले से है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले जो है इस असाइनमेंट की रिक्वायरमेंट्स को देख लेते हैं। दोस्तों इसमें हमें दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है, एज वी नो दैट माइक्रोसॉफ्ट हैव अपडेट लॉट्स ऑफ फीचर इन देयर एवरी न्यू अपडेट विंडोज टू इम्प्रूव यूजबिलिटी गोल एंड यूजर एक्सपीरियंस गोल टू मेक द यूजर एक्सपीरियंस मोर एफिशेंट। Your task is to write down two update feature of each window from Windows 7 to Windows 10 that have increased user experience. हमने इस क्वेश्चन के अंदर ये बताना है कि कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो माइक्रोसॉफ्ट ने अपडेट किए हैं विद रिस्पेक्ट टू द विंडोज 7 टू विंडोज 8। दोस्तों इसके बाद हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये है, लेट्स सपोज अ सिनेरियो दैट यू वॉच SVI लेक्चर ऑन वर्चुअल यूनिवर्सिटी। यू हैव टू ऑप्शन, यू कैन वॉच थ्रू LMS और यूट्यूब। फॉर द मेथड यू हैव सेलेक्टेड राइट डाउन द GOMF गोल ऑपरेटर्स मेथड एंड सेलेक्शन मेथड। तो हमने इसमें GOMF बताना है कि GOMF कैसे परफॉर्म किया जाएगा। इसके बाद इसी क्वेश्चन का जो पार्ट बी है इसमें हमें ये बताया गया है, सपोज अ सिनेरियो दैट यू आर वर्किंग इन एक्सेल शीट एंड यू हैव टू एंटर मैनी डेटा एंड बिफोर क्लोजिंग द शीट यू फॉरगेट टू सेव योर डेटा। What are the safety measures Microsoft have designed to ensure the safe user data? कौन से ऐसे safety measures हैं जो Microsoft ने अपने user का data safe करने के लिए adopt किए हैं when they are developing the Microsoft Excel software? दोस्तों ये दो question या दो requirement हैं हमारी इस assignment की। बढ़ते हैं इसके solution की तरफ और first क्वेश्चन का जो सलूशन है वो आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है ओपन गूगल क्रोम, हमने जो है गूगल क्रोम ओपन करना है। टाइप अपडेट फीचर ऑफ विंडोज 7, हमने विंडोज 7 के वहां पे ये टाइप करना है गूगल के अंदर, और इसी तरह हमने टाइप करना है अपडेट फीचर ऑफ विंडोज 10, तो हमें विंडोज 10 के फीचर अवेलेबल हो जाएंगे। दोस्तों अब मैं आपको लाइव लेके चलता हूं और वहां पे दिखाता हूं कि हमारे पास कौन कौन से लाइव जो फीचर हैं जो माइक्रोसॉफ्ट ने अपडेट किए हैं फॉर द विंडोज 7 एंड विंडोज 8 एंड विंडोज 8.1, वो मैं आप लोगों को दिखाता हूं। तो चलिए हम लोग जो है इसके लिए सबसे पहले स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं और वहां से हम जो है गूगल क्रोम को ओपन कर लेते हैं। हमने गूगल क्रोम को जो है ओपन किया। अब यहाँ पे देखें, आपने यहाँ पे टाइप करना है अपडेट फीचर्स ऑफ विंडोज 7, ये लिखने के बाद आपने एंटर कर देना है। जब आप एंटर कर देंगे तो आपको दोस्तों
पहली ही जो स्क्रीन नजर आएगी, यहां पे देखें आपको दिए हुए हैं सम ऑफ न्यू फीचर इंक्लूड इन विंडोज 7 आर द एडवांसमेंट इन टच स्पीच एंड हार्ड राइटिंग रिकग्निशन, सपोर्ट ऑफ वर्चुअल हार्ड डिस्क, सपोर्ट ऑफ एडिशनल फाइल फॉर्मेट, इम्प्रूव परफॉर्मेंस ऑन मल्टी कोर प्रोसेसर, इम्प्रूव बूट परफॉर्मेंस एंड कर्नल इम्प्रूवमेंट। तो ये बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो मतलब विंडोज 7 के हवाले से जो है अपडेट किए गए हैं। इसी तरह आपने यहाँ पे लिखना है अपडेट फीचर ऑफ विंडोज 10, तो आपको वो विंडोज 10 के जो यहाँ पे अपडेटेड फीचर है वो दिखा देगा। अब इसमें देखें क्रिएट इवेंट क्विकली है, गेट द नोटिफिकेशन सेटिंग फ्रॉम टास्क बार है, पेस्ट फ्रॉम योर क्लाउड की क्लिप बोर्ड है, गिव योर ऐप अ फ्लैग न्यू लुक है, और बहुत सारे यहाँ पे जो फीचर हैं वो विंडोज 10 के हवाले से जो आपके अपडेट किए गए हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। और आपने हर विंडो के हवाले से दो दो फीचर्स को जो है वो लिखना है। इसी तरह अगर हम विंडो 10 के बजाय विंडो 8 के देखना चाहें तो आप वहां पे अपडेट फीचर ऑफ विंडो 8 लिखेंगे और एंटर करेंगे, तो यहाँ पे आपके पास विंडो 8 के जो अपडेटेड फीचर हैं वो आ जाएंगे। दोस्तों इस तरीके से आपने ये अपना क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो सॉल्व करना है। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आपके क्वेश्चन नंबर 2 की। अब क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें आपको क्या कहा गया, जो इसका पार्ट ए है उसमें आपको GOMS के बारे में कहा गया है। या अब GOMS क्या है, अब इसमें सबसे पहले है गोल। आपको जो सिनेरियो दिया गया है आपने ये देखना है कि उसके अंदर गोल क्या है। अब उसके अंदर गोल ये है कि जो यूजर है वो HFI के जो लेक्चर्स हैं वो देखना चाहता है, तो हमारा जो गोल है वांट्स टू सी HFI लेक्चर, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन लेक्चर, कि जो यूजर है वो इन लेक्चर्स को देखना चाहता है। इसके बाद दोस्तों आता है ऑपरेटर। अब ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेटर ये होता है कि हमारा जो गोल है उसको परफॉर्म करने के लिए उसको हम कैसे सब कैटेगराइज करेंगे या कैसे उसको सर्च करेंगे। तो दोस्तों इस गोल को अचीव करने के लिए वी आर टाइपिंग द URL ऑफ सेड मेथड्स। हमें दो मेथड्स बताए गए हैं टू व्यू द लेक्चर ऑफ HFI, उस HFI के लेक्चर्स को देखने के लिए हम उनके जो URL हैं अपने कीबोर्ड की मदद से वो टाइप करेंगे और उन वेबसाइट्स को या उन URLs को ओपन करेंगे टू वांट टू सी दी HFI लेक्चर्स। इसके बाद दोस्तों आता है मेथड। अब मेथड के अंदर क्या होता है, मेथड के अंदर ये होता है कि आप कौन सा डिफरेंट आपके पास अल्टरनेटिव अवेलेबल है टू सी दी लेक्चर ऑफ HFI। हमारे पास जो है एक LMS का तरीका अवेलेबल है, हमारे पास जो है एक YouTube का तरीका अवेलेबल है। इसके बाद दोस्तों आपके पास आता है सिलेक्शन, कि आपके पास जो डिफरेंट अल्टरनेट अवेलेबल है जिसमें आपके पास LMS है, आपके पास YouTube है, इनमें से आप कौन सा सिलेक्ट करते हो। दोस्तों इसमें कुछ स्टूडेंट जो है वो LMS को सिलेक्ट कर लें, कुछ स्टूडेंट जो है वो YouTube को सिलेक्ट कर लें। तो यहाँ पे जो है मैंने लिखा है LMS स्पेसिफिक टू द रिक्वायरमेंट, कि मैंने जो है वो LMS को सिलेक्ट किया है क्योंकि वहां पे जो है हमें स्पेसिफिक HFI के लेक्चर ही अवेलेबल होंगे। तो दोस्तों ये है हमारे पास GOMS, गोल, ऑपरेटर, मेथड और सिलेक्शन। इस तरीके से हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट ए है वो सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 आना है क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए है। इसी तरह अगली स्क्रीन के ऊपर भी क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन है और पार्ट बी का है। दोस्तों उस पार्ट बी के अंदर जो है वो हमसे ये पूछा गया है कि माइक्रोसॉफ्ट हैव डिजाइन अ सॉफ्टवेयर नेम्ड एज द MS Excel। उन्होंने MS Excel जो है एक सॉफ्टवेयर बनाया है और यू आर एंटरिंग सम डेटा इनटू दैट सॉफ्टवेयर। आप कुछ डेटा एंटर कर रहे हैं और सडनली जो है वो आप फाइल को जो है वो बंद कर देते हैं विदाउट सेविंग योर डेटा, अपने डेटा को सेव किए बगैर। तो माइक्रोसॉफ्ट ने जो है वो अपने यूजर के डेटा सिक्योरिटी के लिए, डेटा की सेफ्टी के लिए कौन से जो मैयर्स हैं वो एडॉप्ट किए हुए हैं।
दोस्तों इसमें माइक्रोसॉफ्ट ने दो मैयर्स जो हैं वो एडॉप्ट किए हुए हैं, यहाँ पे वो मैं दोनों के नाम लिख देता हूं। अब कुछ बच्चे जो है वो एक मैयर को ले लें और कुछ बच्चे जो है वो दूसरे मैयर को ले लें, लेकिन हर बंदे ने जो है वो डिटेल अपने अल्फाज में खुद लिखनी है। इसमें पहला जो मैयर है वो है ऑटो रिकवरी का, व्हेन यू आर सडनली क्लोज योर फाइल, जब हम अपनी फाइल क्लोज कर देते हैं तो जब भी आप एक्सेल का प्रोग्राम दोबारा ओपन करेंगे तो वो आपको लेफ्ट साइड के अंदर जो है एक ऑटो रिकवरी की ऑप्शन दिखाएगा। अगर आप वहां पे क्लिक करते हैं तो लास्ट टाइम जहां पे आप वर्किंग कर रहे थे वो आपको वो फाइल दे देगा और फिर आप उसको बड़ी आसानी के साथ जो है दोबारा सेव कर सकते हैं। इसके बाद जो आपका दूसरा फीचर या मेथड है जो माइक्रोसॉफ्ट ने अपने यूजर की डेटा सेफ्टी के लिए रखा है, दैट इज नोन एज ऑटोफेस। अब ऑटोफेस, अगर आप ऑटोफेस जो है वो भी आप इनेबल कर सकते हैं, आप फाइल मेन्यू में जाएं, वहां पे ऑप्शंस में जाएं, वहां पे ऑटोफेस की ऑप्शन अवेलेबल है, वहां पे आपका जो बाय डिफॉल्ट ऑटोफेस का टाइम सेट है वो 10 मिनट्स है, तो आप उसको 1 मिनट के ऑटोफेस के ऑप्शन पे क्लिक कर दें, उसको बल्कि डाउन करके 1 मिनट पर ले आए, और जैसे ही आप फाइल बंद करेंगे और अगर आपको 1 मिनट एटलीस्ट हो गया था तो 1 मिनट का जो डेटा है वो आपका जो है सेफ रहेगा। तो ये दो फीचर हैं जो माइक्रोसॉफ्ट ने जो है वो अपने उसके अंदर ऐड किए हुए हैं। तो दोस्तों इन दोनों फीचर्स को यूज करते हुए आप अपने डेटा की सेफ्टी को बरकरार रख सकते हो। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को CF408 ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन की जो असाइनमेंट नंबर 1 है उसका आइडिया मिल गया होगा, क्योंकि मेरी जितनी भी वीडियोज होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपको आइडिया देने के लिए होती हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप उसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनका ये सब्जेक्ट है, और मोहसिन भाई को दुआओं में याद रखिए। आखिर में मैं फिर आप लोगों को कहूँगा 24/7 टीचर्स ऑनलाइन पे जाइए, वहाँ पे मेरे कोई 15 सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स अवेलेबल हैं जो आपके मुश्किल सब्जेक्ट हैं, उनमें प्रोग्रामिंग है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, असम्बली लैंग्वेज है, स्पेशली जिन लोगों का असम्बली लैंग्वेज है तो वहां पे वो आप लेक्चर सुन के उनसे फायदा उठा सकते हैं और सीख भी सकते हैं। तो दोस्तों आप मेरे ये तीनों चैनल अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो इंशाल्लाह यकीनन आपको सीखने का मौका मिलेगा। उसमें वर्चुअल स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज है जहाँ पे आपको डिफरेंट असाइनमेंट्स के JDBs के और सोल्यूशन अवेलेबल हैं, और ये आपका की टू सक्सेस है जिसपे आपको एग्जाम की तैयारी के हवाले से मटेरियल अवेलेबल है, और 24/7 टीचर्स ऑनलाइन है जहाँ पे आपको मुख्तलिफ लेक्चर्स अवेलेबल हैं। दोस्तों मोहसिन भाई को इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगली किसी असाइनमेंट सोल्यूशन के साथ, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।